तो वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। तो हम करवा रहे थे दृष्टि का करंट अफेयर, जो जहाँ तक हो चुका था चीतों के बारे में तक। तो नेक्स्ट हम आगे करेंगे महेंद्रगिरी पहाड़ी से आगे तक। तो ठीक है, बने रही हमारे चैनल के साथ। और हमारे चैनल पे घटना चक्र कंप्लीट करा उठा है, दृष्टि चल रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारे करंट अफेयर और वो क्या बोलते हैं आपका, और आपका टेस्ट करवाया जा रहा है। तो इन्जॉय करिए सबको, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल, इसका न्यूज़ क्या है? तो 20 मार्च 2023 को उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। उड़ीसा का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल है। ज्ञातव्य इससे पहले 25 नवंबर 2022 को उड़ीसा सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता संरक्षण स्थल घोषित किया था। यह उड़ीसा का द्वितीय जैव विविधता स्थल है। मंदसरू उड़ीसा का प्रथम जैव विविधता स्थल है। और गौरतलब है कि 22 नवंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने अरिट्टापट्टी को तमिलनाडु को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 44 जैव विविधता स्थल है, विरासत स्थल है। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नल्लूर टेमेरेंट ग्रो बंगलुरु कर्नाटक है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जैव विविधता विरासत स्थल हैं। और गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल की संख्या 1 है, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी संख्या 3 है। वहीं बिहार में कोई भी जैव विविधता विरासत स्थल नहीं है। तो भारत के 15 राम स्थल हैं, सॉरी 15 बोली में 75। 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की 11 नई अर्धभूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता 75 के वर्ष में देश भर में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़ाकर 75 हो गई है। इस स्थलों के अंतर्गत देश का कुल 13,26,670 हेक्टेयर आच्छादित है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल रिजर्व है। यह है 8 नवंबर 2022 को घोषित हुआ था। और पॉइंट केलिमियर वन्यजीव अपर्ची अभ्यारण्य है 19/2002 का। और पिचवरम मैंग्रोव है 2022 का। और पल्लिकरनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है 2022 का। और बेल्लोड पक्षी अभ्यारण्य है, ये है, ये तमिलनाडु के हैं सब। तमिलनाडु को टोटल 14 अभ्यारण्य हैं, जो ये भी 2022 में घोषित हुआ था। कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य 2021 में। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य 2022 में। उदयामार्थन दापुरम पक्षी अभयारण्य, ये भी 2022 में हुआ था। और वेदानंथगढ़ पक्षी अभयारण्य, ये भी 2022 सब्मिट किया गया था। और बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी 2022 में। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य और सुचिंद्र थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और बड्डूपुर पक्षी अभयारण्य और कांजीकुलम पक्षी अभयारण्य सब तमिलनाडु का है। अगला है उत्तर प्रदेश के 10 हैं। ऊपरी गंगा है, ऊपरी गंगा हैदरपुर आर्द्रभूमि है जो 2021 बनी थी। और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है ये 2021 में। और समस्तपुर पक्षी अभयारण्य 2019 में। पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य 2019 में। समान पक्षी अभयारण्य सूर सरोवर 2020 में। और सांडी पक्षी अभयारण्य 2019 में। अनुभवगंज पक्षी अभयारण्य 2019 में। सरसई नवर और ब्यास संरक्षण रिजर्व और हरिके झील है और रोपड़ है 2002 का। और तो सरसई नावर तक यह है उत्तर प्रदेश का। ब्यास से संरक्षण रिजर्व हरिके झील रोपड़ कोसोपुर अभियानी और सामुदायिक रिजर्व कांजली 2002 में। और नांगल वन्यजीव अभयारण्य सब कहाँ के हैं? पंजाब के 6, उड़ीसा में 6 है। उड़ीसा में 6 है सतकोसिया और घारज और भीतरकनिका और तंपारा और हीराकुंड और असोपा, ये सब कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के हैं। और जम्मू कश्मीर के 5 है, वूलर हुकेरा सुरसरी मानसार और हाइय मर्दभूमि संरक्षण। और नेक्स्ट है सलबुंग आर्द्रभूमि संरक्षण और आसन संरक्षण रिजर्व, ये उत्तराखंड का है। गोवा का एक है नंदा झील और कर्नाटक का है रंगनाथ पक्षी अभयारण्य। और आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील है। और है यहाँ पर है ना भी ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात के 4 हैं। एक नाल सरोवर है जो 2012 में बना था। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य है 2021 का। बधवाना अर्धभूमि 21 का। खिजवड़िया वन्यजीव अभयारण्य 2021 का। भोज अर्धभूमि 2002 का। साकी अर्धभूमि सीरपुर
और यशवंत सागर, ये सब है मध्य प्रदेश के चार। और है नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश का है पौंग झील 2002 का, चंद्रताल 2005, रेणुका 2005। और केरल का है वेम्बनाद, अर्धभूमि अष्टभूमि, अर्धभूमि अवस्थाकोट झील। और महाराष्ट्र का नांदूर, मधमेश्वर, पोनार झील और ठाणे क्रीक फ्रेमिंग अभयारण्य। अगला है लद्दाख का त्योमोरेरी और त्योकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स है। हरियाणा का है भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सांबरपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और पश्चिम बंगाल का दो है, एक सुंदरबन है और पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि है। और यहाँ देखेंगे हम बिहार में एक है काबरताल आर्द्रभूमि है, असम में दीपोर है, मणिपुर में लोकटक है, मिजोरम पाला आर्द्रभूमि है और रुद्रसागर है त्रिपुरा का। अब रक्षा विज्ञान की हम बात करेंगे तो इम्फाल INS इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल। 26 जनवरी 2023 को मुंबई स्थित है नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसैनिक पोत इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। पहला ऐसा युद्ध पोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर है। किसी अन्य स्वदेशी विध्वंसक पोत की तुलना में INS इम्फाल के निर्माण में परीक्षण में सबसे कम लागत लगा है। और भारतीय नौसेना में तैनाती पूर्व इस पोत से विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। तो गौरतलब की INS इम्फाल परियोजना 15B के तहत निर्मित तीसरा युद्ध पोत है। P-15B के तहत निर्मित किए जा रहे चार पोतों का विवरण है। पहला है INS विशाखापत्तनम मझगांव, ये INS मोरगुमुगांव इम्फाल सूरत है। तो ये सब ये 2021 नौसेना में शामिल होने का, 2022 और 2023 में होगा। अगला है P-15B के पोतों को विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक युद्ध पोतों के नाम से भी जाना जाता है। INS इम्फाल को भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये पोत लगभग 75% स्वदेशी उपकरणों में निर्मित है। इस पोत की कुल लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर तथा वजन 7700 टन है। यह पोत 30 समुद्री मील की से अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम है। सामर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली 17 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान सामर मतलब सरफेस ऑफ एयर मिसाइल अश्योर्ड रिटेलिएशन वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। यह जो इसका परीक्षण कहाँ किया गया था, एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में। और सामर कम एक कम दूरी की त्वरित प्रतिक्रिया हर सतह से सतह एयर मतलब सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इस मिसाइल की क्षमता कितनी है, 10 से 12 किलोमीटर की। और समर मिसाइल प्रणाली को लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहनों सहित विभिन्न कम उड़ान वाले हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रलय मिसाइल का परीक्षण तो 7 अप्रैल 2023 को DRDO ने प्रलय मिसाइल प्रलय उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। परीक्षण उड़ीसा तट स्थित APJ अब्दुल कलाम से किया गया है। तो इसमें पूर्व 2022-23 में इस मिसाइल के 2 परीक्षण हुए हैं। तो लघु दूरी में बैलिस्टिक मिसाइल है ये और 183 पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। और इस मिसाइल में पेलोड वाहन क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है और मारक क्षमता कितना है, 350 से 500। पृथ्वी रक्षा वाहन मिसाइल को नाम एक ब्रह्म वायुमंडली इंटरसेप्टर मिसाइल से उत्पन्न की संज्ञा दी जा रही है। अगला है विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड, तो यह है लद्दाख में स्थित न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया गया। भारतीय रक्षा मंत्री ने स्थित सीमा सड़क BRO द्वारा पूर्ण की गई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। यह लद्दाख की 13,710 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है, ठीक है। और अगला है यहाँ पर बात करेंगे नेचुफू सुरंग की। तो 22 सितंबर 2023 को ही केंद्रीय रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश में नेचीकू सुरंग की भी उद्घाटन किया। यह सुरंग लगभग 500 मीटर लंबी है। यह सुरंग निर्माणाधीन सेलम सुरंग के साथ राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तवांग क्षेत्रों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। IL-38 3 ड्रैगन सेवा मुक्त। तो 31 अक्टूबर 2023 को लंबी दूरी के समुद्री गश्ती दो टोही या निगरानी विमान IL-38 3 ड्रैगन को भारतीय नौसेना सेवा मुक्त किया गया। IL-38 विमान से सेवानिवृत्ति होने वाले अमेरिकी की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित P-81 विमान इसका स्थान ग्रहण करेगा। गिलवेसियन 38 ड्रैगन को संक्षिप्त नाम IL-38 ड्रैगन से भी जाना जाता है। IL ड्रैगन एक समुद्री गश्ती विमान है तथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है।
IL-38 विमान को पूर्व सोवियत संघ द्वारा डिजाइन निर्मित एवं विकसित किया गया था। 1 अक्टूबर 1977 को IL-38C ड्रैगन को भारतीय नौसेना में स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल। तो सितंबर 2023 में प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया गया। इंद्रजाल को हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी ग्रेनी रोबोटिक्स द्वारा निर्मित एवं विकसित किया गया है। इंद्रजाल स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली शत्रु पक्ष के ड्रोनों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने तथा सक्रिय निष्क्रिय करने में सक्षम है। इंद्रजाल प्रणाली 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है, जो 4000 किमी तक के क्षेत्र की सुरक्षा कर सकती है। अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण। तो 23 अगस्त 2023 को वायुसेना द्वारा पहली बार ILCA तेजस लड़ाकू विमान के स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ान पर सफलतापूर्वक परीक्षण संपन्न किया गया। अगला है प्रबल रिवाल्वर। तो प्रबल नामक रिवाल्वर को लॉन्च किया गया 18 अगस्त 2023 को। यह पहली सबसे लंबी दूरी की रिवाल्वर है, जो साइड यह स्विंग सिलेंडर से लैस है और इसमें एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। इसका निर्माण कानपुर स्थित और इसमें बोर इस रिवाल्वर की मारक क्षमता 50 मीटर तक होती है और ये मेंटल इंजेक्शन इस रिवाल्वर के निर्माण में अत्याधुनिक मेंटल इंजेक्शन मोड प्रौद्योगिकी का प्रयोग हुआ है। प्रोजेक्ट पूसा है। तो वायु रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय वायुसेना के लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली से विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसमें ऑल एयर ASAM कार्यक्रम को प्रोजेक्ट पूसा नाम दिया गया है। अगला है INS कृपाल वियतनाम को सपोर्ट। तो 17 से 19 जून के मध्य वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फॉन वान यांग भारत की यात्रा पर रहे और इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को एक सेवारत मिसाइल कॉर्बेट उपहार में देने की घोषणा की। इस मिसाइल कॉर्बेट का नाम है INS कृपाल। गौरतलब है कि भारत ने पहली बार किसी मित्र देश को पूर्णतः परिचालित सेवारत युद्धपोत उपहार में दिया गया है। अगला है सर्वेक्षण पोत संशोधक। 13 जून 2023 को चेन्नई स्थित कट्टुपल्ली में सर्वेक्षण पोत संशोधन का जलावतरण किया गया। अगला परियोजना के तहत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। तो 7 जून 2023 को नई पीढ़ी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस परीक्षण केंद्रीय रक्षा मंत्री के तहत रक्षा अनुदान DRDO द्वारा संपन्न किया गया। और गौरतलब है कि इस मिसाइल के 3 सफल विकासात्मक परीक्षणों के पश्चात उपयोगकर्ताओं द्वारा यह पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च है। ठीक है, तो अगला है अग्नि 1 का सफल परीक्षण। तो 7 सितंबर 2023 को उड़ीसा तट में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 1 मिसाइल का परीक्षण संपन्न हुआ। यह प्रयोगता परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधीन संपन्न है। ज्ञातव्य है कि अग्नि 1 लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। MV एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत। 5 जून 2023 को केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में MV एम्प्रेस को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। इसके साथ ही चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का शुभारंभ हो गया। अगला है BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण। तो यह भारतीय नौसेना के सामुद्रिक आधारित BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट से किया गया। जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया वह समुद्र आधारित अतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल है। अब अगला है पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोज लॉन्च। ठीक है, तो ये है 21 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी INS एंड्रोज कोलकाता में हुगली नदी में लॉन्च किया गया। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित एंड्रोज द्वीप को दिए जाने वाले रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस पोत का पोत का नाम एंड्रोज रखा गया था। यह पोत भारतीय नौसेना के लिए मेरसन गार्डन रिच शिप बिल्डर द्वारा निर्माणाधीन 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना का दूसरा पोत है और ये जो है 29 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय GRSE कोलकाता के बीच 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट निर्माण के अनुबंध का हस्ताक्षर किया गया था। इस अनुबंध के तहत पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट का जलावतरण की 2022 को चेन्नई तट पर किया गया। ठीक है,
अगला है आईएनएस वागीर नौसेना में शामिल। 23 जनवरी 2023 को स्कॉर्पिन श्रेणी की पश्चिमी स्टील्थ पनडुब्बी आईएनएस वागीर को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस वागीर पश्चिमी नौसेना कमान की पनडुब्बी बेड़ा का अंग होगी। आईएनएस वागीर का नामकरण हिंद महासागर के गहरे क्षेत्र में पाई जाने वाली पर्वतीय सैंड सार्क के नाम पर किया गया है। इस पनडुब्बी का ध्येय वाक के मोटो साहस शौर्य और समर्पण है। उल्लेखनीय है कि ये नवनिर्मित आईएनएस वागीर का निर्माण अब तक निर्मित सभी स्वदेशी पनडुब्बियों में सबसे कम समय में पूरा किया गया है। स्कॉर्पिन श्रेणी की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी है, जिसे दिसंबर 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खंदेरी को दिसंबर 2019 में शामिल किया गया था। वह स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। जनवरी 2023 में भारत के 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक का विकास घोषणा की गई। इस ड्रोन का विकास स्टार्टअप IG ड्रोन द्वारा किया गया। इस ड्रोन के विकास में उड़ीसा के बुरला स्थित वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के उद्यमियों को भी भूमिका रही है। 5G तकनीक से लैस होने के कारण स्काई हॉक क्षेत्र में नियंत्रित किए जाने के बजाय सीधे कमांड सेंटर से नियंत्रित कर सकेगा। अगला है प्रचंड हल्का परमा लड़ाकू हेलीकॉप्टर। तो 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस तथा 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों सहित कुल 2.23 लाख रुपए की रक्षा परियोजना के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की गई। गतव्य के 3 अक्टूबर 2022 को हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया था। तो ये LCH प्रचंड 5.8 टन श्रेणी का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। यह पहला स्वदेशी बहुउद्देशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यह 2 इंजनों द्वारा चालित है, जिसका विकास संयुक्त रूप से हाल तथा फ्रांस के सैफ्रॉन समूह द्वारा किया गया है। हेलीकॉप्टर 268 किमी घंटा की अधिकतम गति से उड़ान भर सकता है। INS महेंद्रगिरी का जलावतरण। तो यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें स्टील युद्धपोत INS महेंद्रगिरी का जलावतरण अरब सागर में संपन्न हुआ। इसके पूर्व 17 अगस्त 2023 को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 6वें स्टील युद्धपोत INS विद्यागिरी को जलावतरण संपन्न हुआ। अगला है यहाँ पर है तो नाम है निर्माता बिल्डर है जलावतरण है मतलब लास्ट है तो नीलगिरी है MDL और उदयगिरी तारागिरी और महेंद्रगिरी। तो इस सब लॉन्च किया गया है तो नीलगिरी 2019, उदयगिरी 2022, तारागिरी 2022, महेंद्रगिरी 2022, अरहिमगिरी और धूनागिरी और विंध्यागिरी। तो INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक। तो 24 मई 2023 को भारतीय नौसेना INS विक्रांत पर पहली बार रात में MiG-29 के विमान को लैंड कराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई। इसके पूर्व 6 फरवरी 2023 को पहली बार चीन में 29K और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान को इस पोत पर लैंड कराया गया था। अगला है तो यहाँ पर प्रमुख अभ्यास है तो ये है युद्धाभ्यास भागीदार इस प्रकार विशेषता। तो एक्स विनवैक्स 2023 11 से 21 दिसंबर हुआ था। भारत वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। 4वां संस्करण हनोई वियतनाम में आयोजित है। और सूर्य किरण 17 ये 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक हुआ। भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभियान है। 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ। और अष्टा हिंद 2023 जो है ये 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक हुआ। ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ये द्वितीय संस्करण है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। काजिन 2 है 31 अक्टूबर से 11 नवंबर ये भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 7वां संस्करण कजाकिस्तान में आयोजित था। बोंगो सागर ये है 7 से 9 नवंबर तक। तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। 4वां संस्करण है। हरमाऊ शक्ति जो है 23 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक है। भारत एवं मलेशिया के बीच द्विपक्षीय वार्षिक प्रशिक्षण है। ये अम्रुई छावनी मेघालय में आयोजित है। सिम्बेक्स है यह 1 से 28 सितंबर हुआ था। भारत सिंगापुर के बीच नौसेन अभ्यास 30वां संस्करण है। 2 चरणों में संपन्न है, सिंगापुर में आयोजित। मालाबार है 11 से 21 अगस्त बहुस्तरीय भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में के बीच समुद्री अभ्यास है। मेजबान ऑस्ट्रेलिया है। भारत की तरफ से INS कोलकाता और INS सहाद्री एवं P-81 समुद्री गश्त विमान शामिल है। 27वां संस्करण है। 1992 शुरू हुआ था। नेमेडिक एलिफेंट है 17 से 31 जुलाई भारत मंगोलिया भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 15वां संस्करण है। उलान बटार मंगोलिया में आयोजित हुआ। अगला है जीमेक्स
यह भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इस 7वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित है। भारतीय नौसेना के INS दिल्ली के INS कुमारता और INS शक्ति आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया। इकुवेरिन है, ये जून में हुआ था भारत मालदीव बीच, और ये है संयुक्त सेना अभ्यास है। 12वां संस्करण चौबीटियाँ उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। और है अल मुहैदे अल हिंदी, ये भारत सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। द्वितीय संस्करण है अल जुबैल सऊदी अरब में आयोजित हुआ। भारतीय नौसेना का INS तरकस और INS समुद्र सुभद्रा एवं डानिया समुद्री गश्ती विमान द्वारा प्रतिभाग था। समुद्र शक्ति है भारत इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसेना है। 4था संस्करण इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। और अगला है अजय वारियर, भारत UK के बीच है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 7वां संस्करण है, सैलिसबरी मैदान UK में आयोजित है। भारतीय थल सेना बिहार रेजिमेंट सैनिकों ने भाग लिया। और कोप इंडिया है, ये भारत एवं अमेरिका भी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। 6ठा संस्करण है, भारत एवं के वायुसेना स्टेशनों एवं कलाई कुंडा पानागढ़ एवं आगरा में आयोजित हुआ। अगला है इसलिनेक्स, ये भारत श्रीलंका के बीच है और द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के 10वां संस्करण कोलंबो में संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधि INS किलटान और INS सावित्री द्वारा किया गया। अगला है कोबरा वॉरियर, ये बहुपक्षी है, ये वन्य सॉरी वायुसैन्य बहुपक्षी है। ये है ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स के वेलिंगटन एयरफोर्स बेस में आयोजित हुआ था। अभ्यास कोंकण है, भारतीय नौसेना एवं रॉयल नेवी के ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अरब सागर में कोंकण तट पर आयोजित है। भारत के INS त्रिशूल द्वारा प्रतिभाग किया गया। अगला डेजर्ट फ्लैग, 27 फरवरी 17 मार्च तक, ये बहुपक्षीय बहुसैन्य वायुसैन्य अभ्यास है। 8वां संस्करण है, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ था। और है कटलस एक्सप्रेस, बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, अन्य नाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होता है। इसमें INS श्रीकंद ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया। बोल्ड कुरुक्षेत्र है, भारतीय सेना एवं सिंगापुर सेना के बीच में ये सैन्य अभ्यास है। जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर संपन्न हुआ। 13वां संस्करण है, पहली बार 2005 में आयोजित हुआ। ला पेरोसा है, बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास द्विवार्षिक है, आयोजित सिंध महासागर क्षेत्र में हुआ। 3रा संस्करण में भारत की तरफ से INS सह्याद्री एवं INS ज्योति शामिल है। ये फ्रिंजेक्स है, 7 से 8 मार्च, ये भारत फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास है। तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित है, पहला संस्करण है। धर्म गर्जियान है, ये भारत जापान के बीच होता है, सैन्य अभ्यास है। 4था संस्करण जापान में आयोजित है। सीन्यू मैत्री है, भारत जापान और वायु सैन्य अभ्यास है, यह अभ्यास भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास एवं गर्जियाना के साथ आयोजित है। अगला है टोपेक्स, भारतीय नौसेना का है, नौसैन्य अभ्यास है, हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास अभ्यास है। इस समग्र अभ्यास में सी विजिल और एम्फैक्स शामिल थी। अभ्यास डस्टलिक है, भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास है। 4था संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित है। वीर गर्जियान है, भारत और जापान के बीच में संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास है, यह आयोजित है जापान एवं हयाकुरी एयरबेस पर। यह दोनों देशों के बीच पहला द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है। वीर गर्जियान भारत और जापान के बीच अभ्यास एम्फैक्स, यह भारत की जल तथा और वायु के बीच सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास है, द्विवार्षिक है। यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पहली बार आयोजित हुआ। अगला है राज्य तथा राजनीतिक सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक घटनाओं में विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर एक नज़र। यह बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल, ठीक। तो 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में सविंद्र गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। कहाँ पर? वृंदावन में। और ये पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है। इस स्कूल का उद्घाटन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों निजी संगठनों में साझेदारी साथ 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना के पहल के तहत किया गया है। कहते हैं कि सैनिक स्कूलों की स्थापना की परंपरा उत्तर प्रदेश में 1960 से प्रारंभ हुई थी। अगला है प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा। तो 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में यात्रा की। कभी राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और यहाँ पर उन्होंने इस अवसर पर उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया था। और साथ ही उन्होंने नई अमृत भारत ट्रेनों एवं वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस वे देश की पहली अमृत भारत ट्रेन भी शामिल है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुँचने को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4
नवविकसित सड़कों रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन किया। तो काशी तमिल संगमम, तो 13 से 30 सितंबर तक काशी तमिल संगमम का आयोजन किया, वाराणसी में किया गया। इस कार्यक्रम का द्वितीय संस्करण था। ज्ञातव्य है कि प्रथम काशी तमिल संगमम 2022 में आयोजित हुआ। 17 सितंबर 2023 को नमोघाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल, मणिकिलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, अन्य मंत्रालयों यथा संस्कृत, कपड़ा, रेलवे, खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किया गया। तो अगला है स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। 7 मंजिला स्वरवेद महामंदिर की ऊंचाई 180 फीट है। इस महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद 4000 पहे लिखे गए हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों में दिव्य संदेश भी इसमें चित्रित किए गए हैं और उकेरे गए हैं। स्वरवेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जा रहा है। ज्ञातव्य है कि स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग स्थापत्य संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव के महाराज द्वारा लिखा गया था। लेक क्वीन क्रूज। तो 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल के लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज 2 मंजिला है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी के गठन के माध्यम से यह राप्ती, सरयू, यमुना तथा गंगा नदी में क्रूज सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। बयालीसवां रामायण मेला। तो 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में 42वें रामायण मेले का शुभारम्भ किया गया। इस मेले का समापन 19 दिसंबर 2023 को हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपद मिश्र ने की थी। रामायण क्रूज सेवा, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अयोध्या में शीघ्र ही शुरू की जाने वाली रामायण क्रूज सेवा के कार्यान्वयन के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय राजमार्ग जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक को पारित किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है। इस प्राधिकरण के अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे, अंतरदेशीय जलमार्ग पोत परिवहन एवं नेविगेशन पत्तन या समुद्री मामलों में संबंधित विषयों में विशेषता रखने वाले व्यक्तियों में से किसी को नियुक्त करेंगे। यह कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग में स्थित है। क्या गंगा, यमुना एवं अन्य प्रमुख नदियां। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, तो ये है उत्तर प्रदेश में इसके सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह देश का पहला ऐसा केंद्र है। यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। 5G के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में रखने वाले 6G लॉन्च करने में शोध संचालित करेगा। तो GI टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। तो हाल ही में 4 और उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया। ये 4 उत्पाद हैं बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा ढोलक और कालपी हस्तनिर्मित कागज और बाराबंकी हैंडलूम। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने के संदर्भ में दूसरे स्थान पर आ गया। ध्यातव्य है कि तमिलनाडु GI टैग प्राप्त करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है। बागपत होम फर्निशिंग बागपत जनपद होम फर्निशिंग कामों के लिए पूरे देश में विख्यात है। चादरें, गद्दे, तौलिये, तकिये आदि उत्पाद यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। अमरोहा ढोलकों एवं बीजिंग वाद्य यंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन यंत्रों के खोखले बॉक्स के निर्माण के लिए आम और शीशम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिन्हें बाद में पशुओं के चमड़े में मढ़ा जाता है। कालपी का हस्तनिर्मित कागज, अपशिष्ट कागज एवं कपड़े से हस्तनिर्मित कागज बनाना कालपी की मुख्य शिल्पकला है। बाराबंकी हैंडलूम जनपद हैंडलूम के जरिए कपड़ा बनाने के लिए विख्यात है। GI टैग 2023 में आयोजित आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। उल्लेखनीय 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा चाय के संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की सूचना जारी की गई थी। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश को 2005 में भारतीय GI टैग से प्रदान किया गया था। अयोध्या उत्तर प्रदेश के जिले में राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव और 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक
वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस जिले में भारतीय मंदिर, वास्तुकला, साहित्य संग्रहालय की स्थापना, अयोध्या शोध संस्थान 1986 में स्थापित, विस्तार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश भी अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।